अयोध्या से राम सेतु तक राम वन गमन परिपथ की पदयात्रा पर निकले पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिले के गांव बुर्दा निवासी अक्षय भगत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास पर रहे और श्रीलंका तक जिन मार्गों से होकर गुजरे उन्हें राम वन गमन पथ नाम दिया गया। अब साइकिल मैन के नाम से मशहूर अक्षय भगत अयोध्या से निकलकर राम वन गमन पथ मार्ग से होकर श्रीलंका के लिए निकल पड़े हैं। यह दूरी 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। अक्षय पैदल यात्रा करते हुए भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ पहुंचे और इससे पहले अक्षय ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान को लेकर साइकिल से भारत यात्रा भी निकाली थी। और साइकिल मैन अक्षय भगत से बातचीत की हमारी संवाददाता स्वाति कौशिक ने। किसी भी समाज में यात्राओं का अपना अलग महत्व होता है। यात्राएं चाहे किसी भी तरीके की हो, आपकी और मेरे जीवन भी एक यात्रा है, लेकिन जो मुख्य रूप से देश में अलग अलग यात्रा निकली है वो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने ज्ञान के लिए निकाली है या कुछ प्राप्ति के लिए निकाली। इस वक्त ऐसे ही एक यात्री अक्षय भगत जो है वो हमारे साथ है। ये यात्रा कर रहे हैं राम को जानने के लिए, राम को पाने के लिए। अयोध्या से निकले हैं, श्रीलंका तक ये जो है पदयात्रा जो है वो कर रहे हैं। रायपुर आप पहुंच चुके हैं अयोध्या से निकल के। लगभग कितने दिन का आपका ये सफर रहने वाला है अयोध्या से श्रीलंका तक? नमस्कार, मेरा नाम अक्षय भगत है और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और मैं अभी निकला हूँ। प्रभु राम जी का जो राम वनगमन पथ है अयोध्या से श्रीलंका, ये जो सफर है मेरा लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा की है और जो लगभग 4 से 5 महीने के अंदर खत्म होगी श्रीलंका में जाके। लगभग 4 से 5 महीने के अंदर खत्म होगी श्रीलंका में जाके, लेकिन इस क्योंकि किसी भी यात्रा का, किसी भी सफर का कोई ना कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, आपके इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? हमारा जो यात्रा का लक्ष्य यही है कि प्रभु राम जी जहाँ जहाँ से गए थे वनगमन पे, उस स्थानों के दर्शन करते हुए चलेंगे, अपने देश को एक तरह से जानेंगे, अलग अलग संस्कृति मिलेंगे। उसके अलावा जो उनका जो जीवन है, उनका जो कष्ट भरा जीवन था, जो वनवास का जो जीवन था, उनका जीवन जो चरित्र, वो वनवास में निकले थे तभी वो राम जी कहलाए, तो उनका जो चरित्र है, उनका जो जीवन है, उसको अगर हम थोड़ा सा अपना पाए, लोगों में उसका भाव ला पाए, यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। जो ज्ञान मिलेगा, जो उनका जीवन का जो दर्शन है वो अगर हमें थोड़ा सा भी मिल गया तो हमें लगेगा कि हमारा जीवन धन्य हुआ। अक्षय, जीवन जो है वो धन्य हो गया, ज्ञान मिला, वो तो बात सही है, लेकिन इस एज में आप भारत में यात्रा कर रहे हैं, श्रीलंका तक जाने वाले हैं 5 से 6 महीने तक, ये पूरी फंडिंग और बाकी सारी चीजों की व्यवस्था कैसे होती है? ये राम जी का सफर है और हम विश्वास करते हैं कि वही करते हैं, सब जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और अभी तक सच बोलो कि अयोध्या से हम अभी तक, आज मेरा 52 डेज है, शायद 52 डेज, लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा, 1200 किलोमीटर लगभग सफर हमने तय किया पैदल। इसमें जितना भी सारा व्यवस्था सब प्रभु राम जी ने किया है। अब देखिए, जिसकी जय रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखो होती न तैसी, हमारी भाव है कि प्रभु राम जी आते हैं हमें सेवा करते हैं तो वो वही जो भी है वो ही कर रहे हैं, हम उनके सेवक वो है, तो इसी तरह से चल रहा है। और देखिए, हमारा देश को भ्रमण करना चाहिए हर किसी को। हमने इससे पहले साइकिल से पूरे देश की यात्रा की, जो बाल विवाह के खिलाफ एक जागरूकता अभियान पे हमने साइकिल से पूरे देश की यात्रा की, जो लगभग 1.5 साल की सफर थी। उसके बाद हमने अफ्रीका के 4 देश, केनिया, उगांडा, रवांडा, तंजानिया और बांग्लादेश, हमने साइकिल से सफर किया और ये हम पहली बार पदयात्रा कर रहे हैं जो यात्रा प्रभु राम जी को समर्पित है। तो बिल्कुल लगातार कई तरह की जो चीजें हैं, सोशल कॉज पर भी काम कर चुके हैं अक्षय, और अब ये जो है, अब ये वो अपने व्यक्तिगत तौर पर राम को पाने की जो यात्रा है उस पर अब निकले हैं। अयोध्या से श्रीलंका तक लगभग 5 से 6 महीने की यात्रा ये बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि राम तो सबके मन में है, उनको कैसे और किस ढंग से इस यात्रा में पाते हैं अक्षय। कैमरा पर्सन कुपेन के साथ स्वाति कौशिक, स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से।